दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज रेलवे टेंडर घोटाला मामले पर सुनवाई हुई। इसको लेकर अब कांग्रेस सॉफ्ट नजर आ रही है। कहा है कि लालू के समर्थन में पूरी कांग्रेस खड़ी है। आपको बता दें कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बयान दिया है कि लालू यादव बेहद बीमार हैं, इसका ख्याल कोर्ट को रखना चाहिए। कांग्रेस लालू यादव के समर्थन में पूरी तरह से खड़ी है। IRCTC घोटाले मामले के सुनवाई पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस लालू के समर्थन में खड़ी है, कोर्ट को भी उनका ख्याल रखना चाहिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत काफ़ी ख़राब है। उन्होंने आगे कहा कि लालू यादव की हेल्थ को देखते हुए न्यायालय को इस केस में छूट देनी चाहिए। CBI पर सवाल उठाते हुए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि रेलवे टेंडर मामले में लालू यादव को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। तेजस्वी यादव CBI पर सही सवाल उठा रहे हैं। इधर आज रेल घोटाला मामले में एक्स CM राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण आज लालू प्रसाद यादव पेश नहीं हो पाए। मालूम हो कि इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट में दो बार इनकी पेशी हो चुकी है। इनमें दोनों को जमानत दे दी गई थी, साथ ही दोनों का पासपोर्ट भी जमा करा लिया गया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए आज यानी कि 19 नवंबर की तिथि निर्धारित की थी। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश करने की बात कही थी, मगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण लालू यादव पेश नहीं हो पाए। अब 20 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक बार फिर लालू यादव को पेश करने का प्रयास किया जाएगा, मगर ये डिपेंड करेगा रिम्स के डॉक्टरों पे कि वो इसकी इजाजत देते हैं कि नहीं, क्योंकि इस बार स्वास्थ्य खराब होने के कारण इजाजत नहीं मिल पाई। बहरहाल इस बीच कांग्रेस का खुला समर्थन दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि महागठबंधन में जब घटक दल है तो राजनीति से लेके पर्सनल मैटर्स पर भी समर्थन की बात बनती है। मदन मोहन झा सामने आए हैं, खुलकर कहा है कि कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के साथ खड़ी है। 2019 में हम राजद और कांग्रेस को भी साथ लड़ते देखेंगे। महागठबंधन एक होकर 2019 का चुनाव लड़ने वाला है। इससे पहले भी लालू यादव के फेवर में मदन मोहन झा का बयान आना लाजमी है। बहरहाल आप बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।